आज हम बच्चे आपको पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। तो देखो कूलाम के नियम को आप कैसे याद रख सकते हो। तो देखो दो बिंदु होते हैं ए और बी, ये क्यू वन और इसे क्यू टू। अब ये कुछ दूरी पर है, स्थित हैं तो क्या आर दूरी पर, ठीक। तो इसे जैसे अब इसका सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र, अब ये कुछ दूरी पर आधारित है तो इन पर कोई बल लग रहा होगा, बल। तो बल बराबर क्या होता है, बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है क्यू वन और क्यू टू के, क्यू वन और क्यू टू के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। बीच के दूरी के, इन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसे कि f बराबर इसे समीकरण एक मान लेंगे और व्युत्क्रमानुपाती होता है तो एक बट्टे आर स्क्वेयर, इसे समीकरण दो मान लेंगे, ठीक। अब समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ठीक। तो जोड़ेंगे तो इसको इसमें पुट कर दो, इसे क्यू वन और क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर। तो ये होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये होता है, ये साफ साफ लिख देता हूँ, क्यू वन और क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है कूलाम का नियम, क्यू वन और क्यू टू आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ ये होता है, एक नियतांक होता है, क्या होता है नियतांक। तो नियतांक, नियतांक यहाँ पर तो f बराबर यहाँ k लगता है, ठीक है k। अब k बराबर क्यू वन और क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पे k का मान होता है, उसे बोलते हैं हम के बराबर एक बट्टे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक। अब एक बट्टे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, तो देखो इसका मान होता है 9 × 10⁻¹, ठीक। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एफ बराबर एक बट्टे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू वन व क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम। तो इसको जरूर पूछता है, तो इसको जरूर याद कर लें, ओके। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, हम आपके लिए जरूर बताएंगे, ओके। कूलाम का नियम अच्छी तरह से याद करना, कोई भी कमी नहीं आएगी, ओके। यहाँ से बाहर नहीं जाएगा एक भी टॉपिक। बाय।